नमस्कार, स्वागत आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, और ये खबर भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों में शमी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए थे। शमी की लंबे समय बाद T20 क्रिकेट में वापसी हुई थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैचेस नहीं खेल पाए थे और उनकी जगह टीम में उमेश यादव को शामिल किया गया था। ऐसा माना जा रहा था कि मोहम्मद शमी साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और शमी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से भी बाहर होना पड़ा और उनकी जगह उमेश यादव को फिर से टीम में शामिल किया गया है। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच से ठीक पहले मोहम्मद शमी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए बताया कि वो अब कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। शमी ने स्टोरी में COVID-19 की रिपोर्ट शेयर की। हालांकि अभी भी मोहम्मद शमी को थोड़ा समय लगेगा मैच फिट होने के लिए, लेकिन भारतीय टीम के लिए ये खुशखबरी है कि शमी अब पूरी तरह ठीक हैं, क्योंकि शमी का नाम T20 वर्ल्ड कप के लिए स्टैंड बाई खिलाड़ियों में भी है। अगर वर्ल्ड कप में शमी की कभी ज़रूरत पड़ती है तो शमी उसके लिए अब तैयार रहेंगे। हालांकि शमी ने पिछले साल नवंबर से कोई भी इंटरनेशनल T20 मैच नहीं खेला है, लेकिन IPL 2022 में शमी का शानदार प्रदर्शन रहा था और गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए शमी ने 16 मैचों में 20 विकेट लिए थे और गुजरात को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।